का सब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इस तरह से सेटिंग करता हूं, 0 से पाई बाय 2 ये कॉस स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो टर्म है उसको मैं ऊपर सेट करता हूँ, यानी कि मुझे पहले 3 लाना है तो मैं यहाँ पे 3 लाऊंगा, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 3 से डिवाइड, माइनस 3 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 3 से डिवाइड, तो माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा आपको नहीं मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है ये टर्म मुझे बहुत टफ लग रहा है, तो आप ऐसा कर दो माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से पहले से ही माइनस कॉमन ले लो, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो टर्म है उसको इस तरह से लिख दो, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो माइनस 1 अपॉन 3, 0 से पाई बाय 2 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ऊपर का जो ये माइनस 3 है उसकी जगह पे माइनस 1 बाय 3 0 से पाई बाय 2 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 4, क्या कहता हूं, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देते तो मैं सेपरेट डिनोमिनेटर दूंगा, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये टर्म आएगा तो कट हो जाएगा। अब ये माइनस 1 बाय 3 और ये माइनस यानी कि प्लस 4 बाय 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा माइनस 1 बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सभी टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ, सभी टर्म को cos स्क्वायर x से डिवाइड, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज अ sec स्क्वायर x अपॉन 4 tan स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x dx, अब माइनस 1 बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पे पाई बाय 2 और 0 प्लस 4 बाय 3 0 से पाई बाय 2 sec स्क्वायर x अपॉन, अच्छा हाँ, अब sec स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स। ओके ओके, नहीं है, नहीं ओके है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 3 यानी अब 4 tan square x होगा, तो माइनस 5 by 6 प्लस 4 by 3, 0 से 5 by 2 sec square x dx upon 4 tan square x plus 1। अब यहां से मैं tan x is equal to t suppose करूंगा। बहुत ही अच्छा सम है, 4 मार्क का सम है, 5 मार्क में भी 4 या तो 3 मार्क के अंदर बोर्ड के अंदर आ सकता है, ऐसा अच्छा सम है। क्या किया, फिर से एक बार देख लो, इसके आगे तो थोड़ा इजी है, जो है यहां तक पहुंचना ही थोड़ा कठिन है। दूसरी बात कि आपको ये जो सम है यही मेथड से आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, दूसरी कोई मेथड अप्लाई करने से बहुत कठिनाई आती है, यानी कि ये मेथड बहुत इजी है। बराबर, cos square x की जगह पे 1 माइनस sin square x, ये पहला स्टेप। 4 sin square x माइनस sin square x यानी 3 sin square x। अब अपॉन में ये जो टर्म है वो मुझे ऊपर सेट करना है, तो इसके लिए मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो sin square x माइनस 1, और अपॉन में तो प्लस ही है, तो 3 sin square x प्लस 1 ही लिखूंगा। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो 3 sin square x माइनस 3, 3 sin square x प्लस 1। अब ये माइनस 3 उसकी जगह पे 1 माइनस 4 सेपरेट डिनोमिनेटर, इसके नीचे ये टर्म आएगा तो कट हो जाएगा, तो 1 dx माइनस और ये माइनस प्लस 4 by 3 1 अपॉन 3 sin square x प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन x 0 से pi by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, pi by 2 माइनस 0 माइनस pi by 6। अब ये सभी टर्म को मैं cos square x से डिवाइड करूंगा, सभी टर्म को मैं cos square x से डिवाइड, तो 1 अपॉन cos square sec square x, sin square अपॉन cos square tan square x, 1 अपॉन cos square sec square x। अब ये जो sec square x है उसकी जगह पे 1 प्लस tan square x, यानी कि 3 tan square x प्लस tan square x 4 tan square x प्लस 1 और ऊपर का sec square x। अब मैं सपोज करता हूं कि भाई tan x इज इक्वल टू t, क्या सपोज करता हूं, tan x इज इक्वल टू t। अब tan x इज इक्वल टू t सपोज किया है तो उसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec square x dx इज इक्वल टू dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0। अब अपर लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, tan पाई बाय 2 tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइन, यानी कि मैं इस तरह से लिखता हूं इनफाइनाइट अनडिफाइन, यानी कि अब आपका जो इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 प्लस 4 बाय 3 0 से पाई बाय 2 यानी 0 से इंफिनिटिव sec square x dx इज इक्वल टू dt, 4 tan square x प्लस 1 यानी 4 t square प्लस 1। अब 1 अपॉन x square प्लस a square की ये फॉर्मूला, तो माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 प्लस 4 by 3। अब ये फॉर्मूला हो जाएगी tan इनवर्स की, tan इनवर्स 2t, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, 0 से इंफिनिटिव, और t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा, t का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा। अब यहां पे 2 by 3 माइनस 5 by 6 प्लस
टू बाई थ्री। अब इन्फिनिटिव रखूंगा तो टेन इनवर्स इन्फिनिटिव, जीरो पुट करूंगा तो टेन इनवर्स जीरो। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटिव की वैल्यू, टेन इनवर्स इन्फिनिटिव की वैल्यू पाई बाई टू होती है और इसकी वैल्यू जीरो, यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री, टू टू फाइव। अब सिक्स एलसीएम माइनस पाई प्लस टू पाई, टू पाई में से पाई को कट करेंगे तो पाई बाई सिक्स, यानी पाई बाई सिक्स ही आपका आंसर। बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ना कि फोर मार्क के अंदर ये आ सकता है या तो थ्री मार्क के अंदर। ये भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये जीरो से इंफिनिटिव ऐसा भी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि टेन नाइनटी की वैल्यू अनडिफाइंड ही होने वाली है और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए जीरो से इनफाइनाइट। और ये फॉर्मूला हो जाएगी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वन अपॉन ए यानी वन ही है, टेन इनवर्स टू टी अपॉन वन और टी का कोफिशियंट अपॉन में आएगा यानी टू बाई थ्री, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू टू कट फाइव बाई थ्री, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो फाइव बाई सिक्स। ओके, बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन था 27 नंबर का।